हुआ, हमने कर दिया, उन्हें 8 बजे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है? ये तो बंद कर दिया। मैम जी बेटा, मैम आपको फॉर्म आ गया था? जी खोला बात कर रही है। yes. जी बेटा आ गया। yes, मैम ने अगला वाला भी सेव किया था। जी मैंने देख लिया। उनको मैंने किया है मैम। कोई तो नहीं आज फ्रेंड मिल करूं किया तो नीचे क्लिक कर देना। किरण फातिमा एंड हिजाब इज देयर। ओके लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। वेयर इज द रेस्ट ऑफ द क्लास? शायद आज ना आए, फिर बाद में आए। क्यों थोड़ा लेट हो जाते हैं फर्स्ट पीरियड में बच्चे? यस मिस अक्सर। अच्छा चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेस वर्क। कल हमने वास्कुलर टिश्यूज तक किए थे, डिफाइन वास्कुलर टिश्यूज। यस ओके। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7। देयर आर शॉर्ट क्वेश्चंस and we will do 3 questions. Okay, the first question, write down the first question. Write the use of xylem and phloem tissues. Hijab Peter, you did not submit your work yesterday. Only Hijab and Aisha did not submit, otherwise all students submit the work. Hijab. Okay ma'am, I will submit it. Why you submit your work late? Jee, question number 5, write the use of xylem and phloem tissues. Ma'am, can I read? Slide for me. Slide letter. जी हिजाब बेटा यू स्टार्ट रीडिंग। मैम आई शुड रीड इट। जी मैम मैंने आपसे कहा था पहले। ओके 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 स्टार्ट रीडिंग। होला phloem tubes are made from living cells joined end to end. They carry sugar in solution from the leaf where it is made during photosynthesis to every other part of the plant. There are holes at the end of each phloem cell, go both up and down a phloem tube at the same time. Xylem and phloem tubes are bundled together in vascular bundles. Now aage padhne. जी जी बेटा ये तो कल वाला क्वेश्चन था ना। वाटर एंड मिनरल्स मूव अप द जाइलम ट्यूब टू द स्टेम। शुगर फ्रॉम द लीव मूव डाउन द फ्लोएम ट्यूब। द शुगर इज यूज्ड बाय द सेल्स टू ऑफ द रूट इन रेस्पिरेशन।
root hair give a big surface area to take it in water and mineral from the soil. Growing cells at the root tip. Growing root tip in is protected by a root cap. Okay. Students, starting from here, I am marking the answer of this question from here. Can you see? Yes. Xylem tubes carry water and minerals in solution from the soil up to the part of the plant above the ground. They have thick and strong walls which help the xylem support the plant. Xylem is a dead tissue. In plants such as trees, new xylem is made each year, forming ring in the xylem wood. यहाँ तक तो xylem का clear होगा. Give the heading of xylem and write it down over here. इसमें बताया गया है कि xylem का function क्या है. हिजाब क्या function कर मैंने बताया था xylem का. Xylem क्या काम करता है? Miss, can I tell? जी बताइए किरण. यस किरण. मिस, xylem transport the xylem transport the minerals and minerals and water from the root to the plant. अच्छा, एक तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि xylem का फंक्शन है वो कि वाटर को करता है, ऊपर तक लेके जाता है. सेकेंडली, xylem गिव सपोर्ट. सपोर्ट कैसे देता है प्लांट को? आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर, यहाँ पर xylem को देखिए, उन्होंने बोट की शक्ल में दिखाया गया है. ठीक है, xylem इज बेसिकली, उन्होंने कहा है कि जो xylem है ना, इसका मतलब होता है, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड xylon, और इसका मतलब होता है बूट. तो xylem जो है, xylem टिश्यूज जब ओल्ड हो जाते हैं ना, पुराने हो जाते हैं, तो दे कन्वर्ट इनटू वुड. और आपको पता है वुड जो है वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. ठीक है, xylem का सेकेंड फंक्शन क्या है? इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट. जब ओल्ड होना शुरू हो जाते हैं xylem टिश्यूज, और एक साल के बाद दूसरा साल आता है, तीसरा साल आता है, तो जो xylem है इट कन्वर्ट्स इनटू वुड. ठीक है, यहाँ तक आप xylem को मार्क कर लीजिए. देन गिव द हेडिंग ऑफ फ्लोएम. ठीक है, यहाँ से फ्लोएम स्टार्ट होगा. ये फर्स्ट तो xylem के लिए था. देन यू विल गिव द हेडिंग ऑफ फ्लोएम, और फ्लोएम को हम यहाँ से लेके अप टिल वास्कुलर बंडल्स तक लेके जाएंगे. ओके मैम. जी किरण, पहले ये वाले क्वेश्चन आंसर लिख लें इसका. नहीं बेटा, आप बाद में आप इसको करिएगा ना, टाइम में बाद में दूंगी आप. अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा क्लियर डिफरेंस है xylem और फ्लोएम में. xylem आर डेड टिश्यूज, ये इन्होंने बताया, जबकि जो फ्लोएम्स होते हैं, फ्लोएम्स अलाइव होते हैं. ठीक है, वो लिविंग, जब तक प्लांट जिंदा रहता है, फ्लोएम सेल्स भी जिंदा रहते हैं. लेकिन जो xylem सेल्स है ना, जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं, बेशक प्लांट अलाइव है, xylem टिश्यूज पुराने होके डेड में, ये वुड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये आप कर लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6. ये मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 इज, डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट. डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट. मैम, इसका आंसर ये रूट की डायग्राम में के सारे पॉइंट्स आएंगे. यस, दिस इज द डायग्राम ऑफ रूट. And inside a root, इसके अंदर, यहाँ पर inside a root नहीं लिखोगे आप, यहाँ आप क्या लिखोगे? Internal structure of a root. मैम, आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई है. जी जी, मैं इसको क्लियर करती हूँ. अंदर अंदर कहाँ है? Inside की जगह पे आप लिखोगे internal. तो
मिस जी, हमने डायग्राम भी उसी लाइनिंग वाले पेज पे बनाकर शो करनी है क्या? लाइनिंग पे नहीं, इंटरलीफ पे बनाइएगा। और मिस वी पॉइंट्स में लिख दे सारे जी, और ये सारे जितने भी पॉइंट्स है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर भी, ये सारे इसमें आ जाएंगे। शुगर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लेबलिंग पैराग्राफ के अंदर एक्चुअली शो की गया उन्होंने, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, अब ये जो इन्होंने लाइन लगाई हुई है यहाँ पे गर्ल्स, इसके yes. साथ उन्होंने क्या लिखा हुआ है, रूट हेयर्स। तो यहाँ पे लेबलिंग क्या आ जाएगी, रूट हेयर्स की, ठीक है ना? Okay. और ये जो टिप इन्होंने यहाँ पे शो की हुई है, टिप उसके साथ जो लाइन लगी हुई है ये वाली, दिस इज रूट कैप, और उसके ऊपर रूट कैप के ऊपर अंदर की तरफ जो टिप है, दिस इज रूट टिप, रूट की बिल्कुल जो टिप है उसको उसको ये लेबलिंग की हुई है, दिस इज रूट कैप, दिस इज रूट हेयर्स। और ये फ्लोएम है, दिस इज फ्लोएम ट्यूब्स, ये देखें। और जो ये वाले सेल्स शो किए हुए हैं, दीज आर जाइलम, ठीक है। टोटल कितनी लेबलिंग है इसकी गर्ल्स, फाइव, जाइलम, फ्लोएम, रूट टिप, रूट कैप एंड रूट हेयर्स। ओके, नेक्स्ट पर्सन। अंदर अंदर से क्या बाहर देखो, ऊपर पीछे भी देख रहे हैं कुछ और। नेक्स्ट पर्सन, जी गर्ल्स, हैव यू डन दिस? बस अब तो नहीं करना, उसकी वीडियो कर ली है, फिर मैं कर ली है। ओके जी, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। मैम फर्स्ट वी हैव टू रीड, एंड कैन आई रीड? मैम कैन आई रीड? मिस कैन आई रीड? समवन सेड मैम कैन आई रीड? सबसे पहले मैंने कहा था मैं पढ़ूंगी। होला बेटा, यू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। होला, यू हैव रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। मिस कैन आई रीड? मैम कैन आई जस्ट वेट? अच्छा जी, नो वन नीड। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, अभी आप देख रहे हो स्टेम को गर्ल्स? यस मैम। जी समान, इन द लीफ यू कैन सी दिस लीफ, एंड प्लीज टेल द नेम्स ऑफ दीज लेबलिंग्स। क्या नजर आ रहा है आपको एक लीफ, जो सिंपल लीफ होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं, यू कैन सी मैम उनके लैमिना होता है, लीफ स्टॉक होता है, और मिडरिब होता है। मिडरिब एंड वेन्स, ये जब इंशाल्लाह व्हेन वी विल गो टू स्कूल एंड रेगुलर क्लासेस विल बी स्टार्टेड, आई विल शो यू अ रेगुलर फ्रेश लीफ, एंड देन उस पे आप बल्कि सब बच्चे अपने हाथ में पकड़ के ना एक एक लीफ को, उसके सारे पार्ट्स को खुद ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? यू विल ऑब्जर्व। अब देखो इसका ये जो लीफ का पूरा जो बड़ा साइज होता है ना, पूरा जितना बड़ा लीफ होगा उसका बोला जाएगा लैमिना, और उसके अंदर एक लंबी सी ये इस तरह से मोटी सी लाइन होती है ना, जहां से वो लीफ स्टॉक के थ्रू वो अटैच होता है, ठीक है? वो लाइन लीफ स्टॉक अंदर तक जा रहा होता है, और आपको महसूस हो रहा होता है ये पाइप सा, छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज मिड रिब। मिड रिब, मिड का मतलब होता है सेंटर, तो ये लीफ के बिल्कुल सेंटर में रन कर रहा है ना, तो ये इस को मिड रिब बोलेंगे, और मिड रिब से आगे मजीद ब्रांचेस हो रही हैं, निकल रही हैं मजीद, इन ब्रांचेस को बोला जाता है वेन्स। बेसिकली ये जो लीफ का जो लीफ स्टॉक है ना, जो कि आगे चल के मिड रिब में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर मौजूद होते हैं जाइलम और फ्लोएम सेल्स, ठीक है? आप इसको भी देखोगे भी, ये देखो
ये जो वेन्स है ना, इनमें जाइलम और फ्लोएम सेल्स होते हैं जो कि लीफ में फूड और वाटर की सप्लाई का काम करते हैं. ठीक है, ओके समर बेटा यू स्टार्ट रीडिंग. इनसाइड अ स्टेम अ वास्कुलर बंडल, इसमें बंडल इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स. फ्लोएम ट्यूब्स कैरी शुगर मेड इन द फ्लोएम ट्यूब्स कैरी शुगर मेड इन द लीफ up and down the plants. These tubes have thin walls. Phloem xylem. Mrs. Ma, main aa gayi hu. I know Rida. I know. Beta, why you are late? Ma'am, meri light chali gayi thi. Okay. Okay. I will mark your attendance. These cells make new xylem and phloem as a plant gets bigger. Xylem tubes carry water and minerals up from the roots. These tubes have strong, thick walls. Leaves. Okay, just stop. Saman, beta, just stop. अभी आपने जो आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया है वो है एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम. तो हम जस्ट स्टेम के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, नॉट अबाउट द लीफ. जस्ट अभी स्टेम को आप देखो, स्टेम में कौन कौन सी, अगर उसको काट लिया जाए, एक स्टेम को कट करें तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें नजर आएंगी. तो फर्स्ट वन आपको नजर आएगा वास्कुलर बंडल विच इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज. ठीक है, वास्कुलर बंडल्स का यही मतलब है ना, कलेक्टिवली दे आर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज. फिर फ्लोएम के बारे में उन्होंने बताया आपको कि फ्लोएम का क्या काम करता है, बार बार डिस्कस हो रहा है. फ्लोएम कैरी फूड, और फूड किस फॉर्म में होती है, शुगर्स की फॉर्म में होती है, मेड फ्रॉम द लीव्स अप एंड डाउन the plant. These tubes have thin phloem har jagah ye aa rahe hain, apne kaam dikha rahe hain, har jagah unko padna pad raha hai ji, kyunki plant mein yahi to hote hain main tissues. Plant ko pani chahiye hota hai, hai na, basic plant ki jo food hai wo water. To isse xylem bar bar aapko nazar aayega. Fir jab plant jo hai wo food prepare kar leta hai to idhar udhar usne supply karna hai, to supply karne ke liye uske paas phloem hai. Bas ye these tissues are very important. ठीक है, इसको मार्क कीजिए गर्ल्स आप, फ्रॉम हियर टू हियर. यहाँ तक लीव्स से पहले पहले तक सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे. और मिस इसका ये यस मैम, इसकी वाली बनानी है. जो फ्लोएम और जाइलम लिखा हुआ है, मिस ये भी हमने इसके साथ ही लिखना है क्या, या फिर डायग्राम के साथ लिखना है? नहीं, डायग्राम के साथ लिखना है. यहाँ पे कैसे लिखोगे, डायग्राम बना के ना, तो जो एरो ऊपर की तरफ शो कर रहे हैं वो ऊपर का मतलब है पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज जाइलम, और जो एरो दोनों तरफ जा रहा है ऊपर भी और नीचे भी टू वे है जो, दैट इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम. ठीक है, दिस इज फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम की जो डायरेक्शन होती है ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, वो ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है. फूड ऊपर भी सप्लाई होता है, नीचे रूट्स तक भी सप्लाई होता है. ठीक है, तो दिस इज फ्लोएम टिश्यू, और जिसमें सिर्फ सिंगल एरो दिखाया गया है जिसमें ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, दिस इज जाइलम टिश्यू, क्योंकि पानी हमेशा रूट से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से वापस नीचे की तरफ नहीं आएगा कभी भी. ठीक है, तो जाइलम की जो डायरेक्शन है इट इज सिंगल साइडेड, वाइल फ्लोएम डायरेक्शन इज ऑफ डबल साइडेड. मैम जी बेटा, ओके स्टार्ट काम करना शुरू करें. जी स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स एंड यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल इनसाइड द स्टेम. मिस जी बेटा, मिस हम लोग यस इसमें ये कह रही थी, मिस अभी ये लिख लेते हैं, मिस डायग्राम बाद में बना लेंगे. ओके स्टार्ट राइटिंग. Thank you.
Students, your next class will be on Tuesday now? Yeah. Okay, on Tuesday I will ask short questions from the previous work, okay? Of this second chapter, chapter number 2. These plants and their systems. System, yes. Today only Aisha is absent, no? Yes. Okay. Rida is present, Hola is present, Kiran, Samant, Junaid is present, and Hijab. Aisha Saleem is absent today. Kiran, Rida, are you there? Yes. Okay, are you writing the answers? Ma'am, I have a little bit of problem. Which kind of problem? Ma'am, I will send the answers. Okay, send it. Yes, girls, have you done this? No, miss. So, I'll discuss it again. This is thoda sa rahega. Ma'am? Yes. Ma'am, first question jo tha uska answer xylem se lekar root tak aur phylum jo tha uska heading lekar phylum se lekar vascular bundle tak hai. Ji, main batati hu aapko check karke. First question जी, xylem tube carry water, यहाँ से लेके xylem is root तक, ये तो xylem का part आ जाएगा, ठीक है? Yes ma'am. और phloem के लिए phloem tubes are made from यहाँ से लेके vascular bundles तक. Yes, Rida. What is the function of xylem? What is the function of xylem tissue? Xylem tissue? Yes, in a plant. Hijab, can I tell? Hijab, beta, you give answer. And Rida, you please listen carefully. Then I will ask you again. It carries water and mineral from root to plant. Very good. Ji Rida, what Hijab said? It carries water from root and plant. It carries water and minerals from roots roots to plant.
Very good. And what about phloem? Someone, beta, you tell. What does phloem tissue? Yes. Okay. Ma'am, phloem tissue carries the food from the leaves to the other plant. Okay. Phloem tissues carries the food parts of plant to the other parts of the plant. Rida, what does phloem do? Phloem tissue carries food from the leaves to other parts of the plant. Okay. Are the xylem tissues dead or alive? Ma'am, can I tell? Yes, Fala. Yes, Fala. Xylem tissues are dead tissues and phloem tissues are live tissues. Very good. Xylem tissues are dead tissues. ठीक है? Start में तो obviously वो alive होते हैं जब वो बनते हैं, लेकिन after some time they become dead. ठीक है? और इसीलिए जो है ये wood जो होती है ना, दरख्त की जो लकड़ी होती है, दे आर डेड टिश्यूज. वैसे तो दरख्त के अंदर आपको पता है प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. हम यही कहते हैं ना, प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स होते हैं. तो उनके इंटरनल सारे टिश्यूज लिविंग होते हैं, बट द आउटर वुडर पार्ट इज डेड. और जो वुडी पार्ट होता है ना प्लांट का, दैट इज अ जाइलम टिश्यू. आपसे कभी कोई पूछे ना कि इसकी जो बाहर लकड़ी है ये कौन सा पार्ट है प्लांट का, तो आप बोलोगे कि दिस इज डेड जाइलम टिश्यूज. वो टिश्यूज हैं जाइलम के जो कि डेड हो चुके हैं और वो लकड़ी में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है? क्योंकि वो बहुत पुराने हो जाते हैं, दे बिकम हार्ड एंड कन्वर्ट इनटू वुड. जी हिजाब, व्हाट अबाउट फ्लोएम टिश्यूज, आर दे डेड और अलाइव? दे आर अलाइव. They are alive tissues. And what about the direction of phloem tissues? In which direction they supply? In which direction they supply food? Ma'am, can I tell? Miss, yes. Both up and down. Very good. In both directions they supply food. Khala. In which direction xylem tissues supply water? Mama, mere se itna easy wala hi puchti hai. Easy है बहुत. इतना इजी है. Upward. Okay. If I give you a question regarding the comparison of xylem tissues and phloem tissues, can you give answers, all of you? Yes, ma'am. Can I tell? जी बताइए. Xylem tissues are dead tissues. Phloem tissues are alive tissues. Xylem tissues carry food and mineral, carry water and mineral upwards. Yes. And the phloem tissues carry food on in both directions. Acha, abhi ji aur ma'am, ek aur point diya xylem ka, ki xylem tissues give strength to the plant. Main wo bolne lagi thi main. Okay. चले तो इस तरीके से, लेट सपोज इफ कंपैरिजन क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से पॉइंट्स निकाल सकते हैं अंदर से. ओके, हु विल एक्सप्लेन दिस डायग्राम, दिस वन, ये जो शो हो रही है स्टेम की डायग्राम. हु इज टॉकिंग? मैम, मैं खोला बोल रही हूं. अच्छा, खोला है मैम. Just wait, Paula. When I want to ask Kiran, if she will not answer, then you. Okay. Yes, Kiran. Beta, explain this diagram. ये किस चीज की डायग्राम है? Miss, ये है. Miss, ये है. Miss, ये stem की है. अच्छा, stem तो ऐसा होता है ये, जैसा अभी यहाँ पे cursor show हो रहा है. स्टेम के बीच वाला पार्ट है. जी बताएं, ये इस तरह से कैसे हो गया, जैसे कि कोई पिज्जा पड़ा होता है. मैम, कैन आई टेल? मिस, वो स्टेम के अंदर वाली चीज दिखा रहे हैं. तो क्या किया होगा उन्होंने स्टेम को, यहाँ से जो अंदर वाली चीज दिखाया हमें नजर आ रही है, क्या किया होगा स्टेम को? मैम, स्टेम को खोला होगा. कैसे खोल लिया?
मैम उनने खोला तो नहीं होगा, जैसे अभी उनने इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाना था तो उन्हें सीधा दिखा दिया, जबकि उन्हें लाइन में दिखाना चाहिए था, उन्हें गोल दिखा दिया कि बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए। आपने कभी स्टूडेंट्स घर में मामा के साथ हेल्प करवाई है किचन में? यस। ओके ओके। समटाइम्स योर मदर सेड टू यू दैट कट अ क्यूकम्बर फॉर सैलड। Yes. ऐसे किया ना आप लोगों ने? तो जब आप कुकंबर को क्या करते हो आप, उसको पहले तो ऊपर से वो छील लेते हो ना, ठीक है, देन यू कट द कुकंबर फ्रॉम द सेंटर, ऐसे करके आप काटते हो, उसके स्लाइसेस बनाते हो, बनाते हो स्लाइसेस और उसके अंदर से Yes, मुझे उसके अंदर से मिस इतने ज्यादा वो अंदर से मिस आप जब उसके जब आप उसके स्लाइसेस बनाते हो ना, जब आप उसके पीसेस काटते हो तो उसके ऊपर से तो जो कम्बर है ग्रीन सा नजर आ रहा होता है ना, बिल्कुल ऐसे लंबा सा ग्रीन सा, लेकिन जब आप उसके स्लाइस इस तरह के स्लाइस बनाते हो तो अंदर से उसके सारा सीड्स और सब वो नजर आना शुरू हो जाते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या पड़ा हो, है ना? Yes, तो सेम ये भी वही चीज है, एक स्टेम के स्लाइसिस का एक स्लाइस काटा हुआ है उसका, बिल्कुल बारीक सा एक स्लाइस काटा हुआ है गोल सा, जैसे स्टेम को पकड़ के यहाँ से कट लगा दे आप, ठीक है, तो बारीक सा एक स्लाइस निकाला हुआ उसका और उसको यूं शो किया हुआ है, और उसके अंदर दिखाया गया है कि जैसे बीज नहीं नजर आ रहे होते क्योंकि अंबर के सीड्स, उस तरह से ये अंदर से सारी चीजें नजर आ रही हैं। क्लियर गर्ल्स? यस यस। इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए उसका बारीक सा स्लाइस कट किया हुआ है ट्रांसवर्सली इस तरीके से, ठीक है, ऐसे पकड़ के स्टेम को यहाँ से यूं काट दिए, बारीक सा एक कट लगाया और एक पूरा परत उतार लिया और उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा। All of you have done the questions? Yes, miss. मैं तो डायग्राम बनाने लगी हूँ। डायग्राम्स को ट्राई कीजिएगा, मेक देम कलरफुल, ओके? Okay, students, we will read the next question. अभी आज हम करेंगे नहीं, बस ऐसा करते हैं हम reading कर लेते हैं इसकी। Ma'am, can I read? Miss, can I read? Miss, आपने मुझे नहीं पढ़ा है। अच्छा, अभी किरण ने नहीं पढ़ा अभी तक? No, miss. Ma'am, I want to read. Okay, Fola, after this first paragraph, second paragraph, you can read, okay? Okay. Leaves are the food factories of plant. They are where a plant makes food during photosynthesis. Leaves are usually green, although other colors exit water. Whatever their color, all leaves contains chlorophyll, the chemical that absorbs light energy from the sun. Okay, students, these are very important lines. Could be given as MCQs in your paper. Leaves are the food factory. ये मैंने पहले भी आपको word बताया था. जैसे किसी factory में सामान तैयार होता है ना, जैसे किसी factory में मुख्य चीजें बनती हैं, तो plant की जो leaves होते हैं, they behaves like a factory. और इस factory में क्या बनता है? Food बनता है, ठीक है? Food in the form of sugars. अब ये भी पूछा जा सकता है, food किस form में होता है? Food sugar की form में होता है, यानी कि glucose बन रहा होता है. ग्लूकोज कभी पिया आप लोगों ने गर्मी में? अक्सर लोग ग्लूकोज पानी में डाल के पीते हैं फॉर एनर्जी, ठीक है, तो दे प्रिपेयर ग्लूकोज, इसीलिए इसको शुगर बोला जाता है, एंड दे आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. और किसी ऑर्गन में फूड नहीं बनती, ना तो रूट्स फूड बनाती हैं, ना स्टेम फूड बनाती हैं, ना फ्लावर्स फूड बनाने का काम करते हैं. फूड बनाने का काम कौन से ऑर्गन करता है? जस्ट लीफ. Clear? Yes. Okay. इसके अलावा यहाँ पर बताया गया इसका कलर आपको क्या नजर आ रहा है लीफ का? Green. Green. What is the color?
Yes, its basic color is green. ठीक है, लेकिन sometimes कुछ leaves हल्के हल्के whitish tone में भी होते हैं. आपने देखा होगा अक्सर leaves में green के साथ off white color या sometimes pinkish color अक्सर ये बाहर लगी होती हैं. बड़ी सी जो बेल लगी होती है घर पर, तो लीव्स के पिंक कलर्स भी होते हैं. ठीक है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि व्हाट एवर द कलर इज, बेसिक कलर तो ग्रीन होता है, लेकिन व्हाट एवर द कलर इज दे हैव क्लोरोफिल. ये ग्रीन कलर किस वजह से है? ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. दिस इज अ पिगमेंट. पिगमेंट मीन्स कलर. और पिगमेंट का क्या काम होता है? ये एक ऐसा केमिकल होता है दैट कैन एब्जॉर्ब लाइट. ठीक है, yes. ये ऐसा पिगमेंट है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है. यस मिस, मिस हमारे घर में भी एक मिस बेल है, उसका मिस रंग पूरा ग्रीन नहीं है, मिस हाफ नीचे से पैरेट कलर है और मिस ऊपर से ना, जैसे मिस ये ऊपर स्टेम का कलर नहीं दिखा रहे हैं, जैसे हाफ पीस काटा हुआ है, इस तरह का रंग है उसका. ओके, व्हाई स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास? कौन कौन गया? समन नहीं है, अभी अभी गए रिदा एंड समन. मैम वैसे भी टाइम ओवर ही हो गया. चलें ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा मैंने कहा चलें अभी फ्री थे हम, तो अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर वो क्योंकि नेक्स्ट फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो करने में टाइम लगता है. वैसे भी 4 मिनट्स पड़े हैं. देन व्हाई दे लेफ्ट? कुछ पता नहीं, नेट का इशू हो गया होगा. समटाइम्स एकदम से नेट प्रॉब्लम हो जाता है. बहुत ज़्यादा ही हो जाती है. क्या हो जाती है? स्कूल जाकर पढ़ना चाहिए. कोई बात नहीं, अक्टूबर से वी विल बी इन स्कूल. समन बस, व्हाट हैपेंड समन? मैम कुछ नहीं. आप लीव कर गए थे ना? मैम नो लीव नहीं किया, नेट प्रॉब्लम थी. हाँ वही मैं देख रही थी, माइट बी देयर इज अ नेट प्रॉब्लम. समन व्हाट अबाउट साहुल आयान? साहुल हैज स्टार्टेड द क्लासेस? मैम नो, सो एक्सीडेंट हो गया. ओहो, क्या हुआ? किस क्या हुआ? उसने अपना स्कूटर पे लगाया हुआ था, बहुत बड़ी चोट लगी थी. हाथ पे चोट लगी हुई है? मैम हाथ पे नहीं, बाजू पे लगी है. कैसे लग गया चोट? मैम ड्यूरिंग बाइक, बाइक से बाइक जा रहा था तो आगे एक डॉगी आया अचानक, तो उसने ब्रेक दबाने की जगह रेस दबा दी, तो वो फिर दीवार पे जाके रगड़. छोटे हैं ना अभी बच्चे, अभी छोटे हैं, इस वजह से एकदम बाइक वाला भी बैठते हैं तो ये होता है. चले अल्लाह ताला उनको जल्दी ठीक करे. उनको शौक है बहुत ज्यादा, मम्मा को तंग करते रहता है. चलें ठीक है गर्ल्स, आई थिंक 1 मिनट इज लेफ्ट. यू राइट डाउन दीज बोथ क्वेश्चंस एंड ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम्स विद डिफरेंट कलर्स, मेक देम कलरफुल. ओके मैम. ये कौन है सोया सोया सा? ओके जी, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज. Hello. हाँ जी बेटा, यू कैन. रीता आप दोबारा क्लास में एंटर. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. लीव कर दो मिस. जी जी बेटा, टाइम इज अप. अल्लाह हाफिज़.